जैसलमेर राजस्थान का सरहदी जिला, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, अभाव से भरे जिंदगी, दूर छोटे छोटे गांव ढाणियों में रहते लोग, शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा क्षेत्र जैसलमेर। यहां पर कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ कुछ अतिरिक्त गतिविधियां कराने की सोच भी नहीं सकता। छुट्टियों के दिनों में यहाँ के बच्चे इधर उधर घूमकर या मोबाइल में अपना समय नष्ट कर रहे थे। ऐसे समय में जैसलमेर की एक महिला ने बीड़ा उठाया इन बच्चों के समय का सदुपयोग कर बच्चों में अतिरिक्त योग्यता व कौशल का विकास करके बच्चों को संस्कारवान बनाने का। और फिर 2015 में शुरुआत हुई सखी सहेली की। आइए मिलते हैं सखी सहेली की संयोजिका आशा व्यास से, जिनके कार्य की सराहना आज पूरे देश में हो रही है। आशा जी, सखी सहेली के माध्यम से प्रत्येक वर्ष मई के महीने में बच्चों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं, जिसमें जूडो, कराटे, डांस, फूड विदाउट फायर, मेहंदी लगाना, रंगोली, मंत्र, योगा, प्राणायाम और संगीत का प्रशिक्षण दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आज मैं आया हूं एक ऐसे स्थान पर। प्रत्येक वर्ष की भांत ये स्थान बड़ा ही पवित्र हो चुका है और कारण है कि पूर्व में यहाँ पर जेल हुआ करती थी और जेल में आपको पता है कि अपराधी रहा करते थे। ये जेल है और पवित्र होने का कारण ये है कि यहाँ पर एक अद्भुत कार्य हो रहा है। जैसलमेर में सखी सहेलियों द्वारा मिलकर के 2015 में एक कार्यक्रम शुरुआत की गई थी, जिसमें जब छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों की, उस समय बच्चों के समय का सदुपयोग करके उनको कुछ अतिरिक्त स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। और जब शुरुआत हुई थी उस दिन भी मैं उस समय भी ये कवरेज करके आया था। आज बड़ा ही बदलाव आया है। उस समय कितना बदलाव आया, उस समय कितने बच्चे हुआ करते थे, आज ये एक भव्य रूप ले चुका है। और आज मेरे साथ हैं जो सखी सहेली की संयोजक आशा जी, इनके ही सानिध्य में ये सब कार्यक्रम चल रहा है। इन्होंने शुरुआत की थी और आज जैसलमेर के कई बच्चे यहाँ से अद्भुत कलाएं सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं किस प्रकार से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज किस मुकाम पर पहुँचा है। आशा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम जानते हैं कि ये जब आपने शुरुआत की थी बच्चों को सिखाने की, क्या उम्मीद थी कि इतना बड़ा रूप ले लेगा, इतना भव्य रूप ले लेगा? जी, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो हमने सब सोचा, पहले शुरुआत की तब ऐसे नहीं लगा था कि ये जो आज का परिवेश आपको दिख रहा है, बहुत सारी क्लासेस चल रही है। शुरुआत हमने एक क्लास से की थी। मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं गर्मी की छुट्टियां हो जाती थी, बच्चे खेला करते थे, तो मैं सोचती थी कि बच्चे दिन भर खेलते रहे, इसके लिए क्या किया जाए। तो मैंने चित्रकला से शुरू करी, चित्रकला की प्रतियोगिता कराई बच्चों की। तो उसमें एक क्लास ही चलाई चित्रकला की, तो थोड़े बच्चे आए उसमें, अच्छा लगा बच्चों को। फिर दूसरी बार मैंने दिया मेकिंग कॉम्पिटिशन कराया, उसमें भी बहुत सारी संख्या आ गई। ऐसे करते करते मैं एक एक कॉम्पिटिशन कराती गई, कराते कराते बच्चों को बड़ा मज़ा आने लगा और सखियाँ भी जुड़ती रही मेरी। सखी सहेली में बहुत सारी सखियाँ, उनको भी बहुत सारी क्वालिटी, हर महिला में कुछ न कुछ क्वालिटी रहती है, लेकिन विवाह होने के बाद वो क्वालिटी दब जाती है। घर के कार्य में इतनी व्यस्त हो जाती है, उसको पता ही नहीं रहता उनमें क्या क्या हुनर है। उनके हुनर को उभारने के लिए मैंने हर सखी से बात करी, तो किसी को मेहंदी आती थी, किसी को रंगोली आती थी, किसी को फूड विदाउट फायर आता था, ऐसे बहुत सारी कलाएं उनमें थी, किसी को हेयर स्टाइल आता था। तो ऐसे करते करते मैंने सब सखियों को जोड़ा और एक बड़ा रूप लिया। जब 2015 में शुरू किया था तो हमारे कम बच्चे थे, 100 बच्चे हो गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ते गए, फिर 150 हो गए, फिर 200 हो गए, अभी हमारी संख्या 450 आती है। मतलब बढ़ती गई संख्या, और अभी तो 450 बच्चे अपने आप ही आते हैं। हम इतना प्रचार भी नहीं करते, पहला तो प्रचार भी करना पड़ा, लेकिन अभी प्रचार की आवश्यकता हमको इतनी नहीं पड़ती। फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे डालते हैं, उस पर बहुत सारे बच्चे यहाँ आ जाते हैं। हम बात करें कि यहाँ पर जो क्लासें हैं, बच्चों को शुरुआत में चित्रकला से शुरुआत की, जो बच्चों की रुचि होती है, आज कौन सी क्लासें आप चला रहे हो बच्चों के लिए? आज बहुत सारी क्लास हो गई है, ये फूड विदाउट फायर हो गया इधर, और अभी इस बार तो संगीत की एक नई क्लास भी हमने जोड़ी है। और क्लासेस तो है ही, रंगोली है, मेहंदी है, हेयर स्टाइल है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस है, जूडो कराटे है, ये तो क्लासेस चल रही थी। इस बार हमने नेक्स्ट में फूड विदाउट फायर जोड़ा एक क्लास, और अभी इस बार संगीत की जोड़ी है, वो भी शास्त्र संगीत। बच्चों को सारे गामा पूरा सिखा के हारमोनियम सहित सिखा रहे हैं, तो नई क्लास भी जोड़ी है। ऐसे करके हमने 11 क्लासेस अभी चालू करी है यहाँ पर। अच्छा, जो 11 क्लासेस चल रही हैं,
जो महिलाएं आपने कहा जैसे कि शादी के बाद उनकी कला, फिर वो उनको अपनी कला को किसी को आगे बढ़ाने के लिए समय नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, आप उन महिलाओं को उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका दे रही हैं और वो प्रतिभा बच्चों में जा कर के वो आगे बढ़ रही है, उनको भी खुशी हो रही होगी। तो जो महिलाएं हैं वो आपसे किस प्रकार जुड़ रही हैं और कोई अन्य महिला जो बाहर की आती हैं जैसलमेर में जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकती हैं? हमारे इसमें सखी सहेली में जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है और सब स्नेह से जुड़ती है, प्रेम से जुड़ती है। तो मेरी सखियाँ जो है सब स्नेह से जुड़ी हुई है। सबको मैं जाके आग्रह करती हूँ कि आपको अगर मेहंदी आ रही है या रंगोली आ गई, कोई भी कला आ रही है, तो हमारे सखी सहेली में आके आप शुरुआत करो, तो वो सहज तैयार हो जाती है और यहाँ आके वो शुरुआत करती है। और वो जब वो एक बार यहाँ आती है तो उसको इतना अच्छा लगता है कि नेक्स्ट में वो खुद आगे चला के बोलती है कि हम हर साल यहाँ आएंगे, हमारा ही नाम लिखना। अभी जैसे मैंने एक एक टीचर रखी थी हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अभी तीन तीन टीचर हो गई, हर सब्जेक्ट में तीन टीचर, वो बोले मैं सिखाऊंगी, बोले मैं सिखाऊंगी, सभी आ जाते हैं। तो अभी टीचरों की भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और नई सखी कोई आती है तो उसको जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई रजिस्ट्रेशन संस्था नहीं हमारी, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरा चलता है, तो जो जुड़ना चाहता है उसके नंबर लेके ग्रुप में जोड़ दिया जाता है और जो भी मैसेज कार्यक्रम होता है उसका मैसेज व्हाट्सएप पे दिया जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सब एक जगह जमा होते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे मैं देख रहा हूँ उधर कराटे की क्लास चल रही है, उधर म्यूजिक की भी है, डांस की भी है, मेहंदी रंगोली और ये विदाउट फायर ये फूड, तो यहाँ से बच्चे सीख करके जब जाते हैं और अपने जैसे स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो ज़रूर इस कला का प्रदर्शन करते होंगे, लेकिन इन बच्चों में आप बदलाव कैसा देख रहे हैं? जब पहली शुरुआत थी उसमें ज़्यादा मेहनत लग रही थी बच्चे, और आज क्योंकि वही बच्चे हर साल आपको सीखने आ रहे हैं, नए बच्चे भी आ रहे हैं, कितना परिवर्तन देख रहे हैं बच्चों में, उत्साह परिवर्तन और उनका स्किल बढ़ रहा है क्या? जी बहुत बढ़ रहा है। पहले जब शुरुआत करी थी तो मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत की तो बच्चे को मंत्र भी बोलना नहीं आता। मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपको कोई मंत्र आता है? तो बोले कोई नहीं। ओम नमः शिवाय बोलना आता है? तो बोले वो भी नहीं आता है। तो अभी तो यहाँ पर इतने सारे मंत्र उनको आते हैं, गणेश जी का, शिव जी का, और भी बहुत सारे मंत्र जो कि संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में, वो भी बच्चे आके आगे बोलते हैं। शंखनाद बच्चों को नहीं आता था, हम शंखनाद भी करवाते हैं, तो बच्चे शंखनाद भी सभी जानते हैं आजकल। और एक प्रार्थना है वो उनको मुख जबान याद है, हम बोलते हैं वो पीछे पीछे पूरा बोलते हैं। दीप मंत्र किसी को नहीं आता था, अभी दीप मंत्र किसी को बुला के पूछो तो दीप मंत्र आता है सबको। बहुत सारा परिवर्तन आया है और बच्चे एकदम शांति से कार्यक्रम में बैठते हैं और इतना मज़ा आता है उनको, मतलब इस कार्यक्रम में उत्साह रहता है कि ये कार्यक्रम कब स्टार्ट होगा। इस बार गर्मी को देखते हुए लग रहा था कि थोड़ा डिले करें इसको, लेकिन नहीं, बच्चे घर पे आकर पूछने लगे कि कब स्टार्ट करोगे आशा आंटी, कब स्टार्ट करोगे। तो इस भीषण गर्मी में भी हमको शुरुआत करनी पड़ी इसकी। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर सारी लगभग महिलाएँ हैं और सिर्फ एक कराटे में एक पुरुष आपके टीचर हैं, बाकी उसमें भी महिला टीचर हैं, और ये अद्भुत है कि महिलाओं में स्किल है, देखिए हर चीज़ महिला सिखा सकती हैं, कराटे तक भी महिला यहाँ पे सिखा रही हैं। बात आती है कि जैसे कि 7 दिवसीय है ये, और ये गर्मियों में होता है, ये इसकी कल शुरुआत हुई थी, समापन 7 दिनों के बाद 10 दिवसीय है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जैसे कि गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, जो सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की दिसंबर के महीने में, उस समय भी बच्चे लगभग 20-25 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, क्यों ना उस समय भी प्रयास किया जाए कि बच्चों को ये सब सिखाया जाए, क्योंकि बच्चे जब छुट्टियाँ हो जाती हैं और अतिरिक्त उस समय का उपयोग करें तो कैसा रहेगा? जी अच्छा, ऐसा नहीं, हम जब भी छुट्टियाँ होती ना बच्चों की, जब लगता है कि अभी ये 4 छुट्टियाँ आ गई तो बच्चों का कोई कंपटीशन करा देते हैं, जैसे इसमें जो भी सीखा है ना, रंगोली सीखी तो रंगोली का कंपटीशन कराते हैं। अच्छा, अब सीख तो यहाँ लिया उन्होंने लेकिन उसका उपयोग कहाँ करें, तो अब रंगोली का कोई त्यौहार ही आ गया हमारा, तो त्यौहार पर कॉम्पिटिशन रखते हैं, ताकि कॉम्पिटिशन के सभी महिलाएँ बच्चियाँ सब बनाती है, उनको प्राइज भी देते हैं हम उसमें, 1st, 2nd, 3rd। और जैसे मेहंदी है, मेहंदी का भी हम कंपटीशन करते हैं, मतलब त्यौहार वाइज कैसे जैसे जैसे त्यौहार आता है उनकी छुट्टियां आती है, इस कंपटीशन को हम लगातार करते रहते हैं। चलिए, आप जो महिलाओं के सहयोग से आप जो इतना बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम यहाँ पे चला रही हैं सखी सहेलियों द्वारा, हम अंत में एक सजेशन आपको देना चाहते हैं कि देखिए जो बच्चे हैं ना आजकल,
मोबाइल में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो क्यों ना एक क्लास यहाँ पर बच्चों को सामूहिक रूप से 10 मिनट तक उनको ये बताया जाए कि मोबाइल के कितने नुकसान हैं, कब उपयोग करना चाहिए, इसकी अच्छाई क्या है, बुराइयाँ क्या हैं, क्योंकि हर समय मोबाइल का उपयोग एक घातक बनता जा रहा है, माँ बाप के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। तो यही है कि जब आपकी सारी क्लासेस समाप्त हो जाएँ तो 5-10 मिनट बच्चों को ज़रूर समझाएँ, ऐसा मेरा सजेशन है। आपके क्या विचार हैं? नहीं, आपका बहुत अच्छा सजेशन है और मेरे मन में ये आया था कि एक ऐसा किसी को बुला के 10 मिनट का बोले वो कि मोबाइल से आपको क्या क्या घातक परिणाम आ रहे हैं उनको बताए और जागरूक करे। जागरूकता बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को आजकल मोबाइल का इतना ज़्यादा हो गया है कि वो कुछ मोबाइल के सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं है, तो उनको आज समझाना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छा स्टेज है, कोई आके यहाँ समझाए तो हमारे यहाँ स्वागत है उनका। मैं भी प्रयास करूँगी कोई ऐसा मिले, ऐसा वक्ता भी इतना अच्छा होना चाहिए कि वक्ता जब बोलता है तो उस वक्ता का प्रभाव पड़ना चाहिए बच्चों पे। कोई भी आके पढ़े बोले तो बच्चे सुनते नहीं हैं, एक प्रभावशाली व्यक्ति आके बोले मोबाइल के बारे में भी, तो मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा व्यक्ति कोई मिले तो मैं यहाँ ज़रूर उनको बुलाऊँगी और 10 नहीं 20 मिनट के लिए उनको बुलवाऊँगी ताकि बच्चों को ये जागरूक हो कि मोबाइल का कितना दुष्परिणाम आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सखी सहेलियों द्वारा ऐसे ही आपका कार्यक्रम चलता रहे, हमारे जैसलमेर के बच्चे स्किल डेवलपमेंट के इस कार्यक्रम में सीख करके आगे बढ़ें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।